गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे डेट इज 27 जुलाई 2021 एंड डे इज ट्यूसडे। क्लास यूकेजी सब्जेक्ट हिंदी। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा उपविषय है श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब जो बीच बीच में से आपको बोले जाएंगे और आपने राइट करनी है। जैसे इसमें आज हमने करना है श्रुतलेख में चार अक्षरों का जोड़ और आ की मात्रा। चार अक्षरों का जोड़ और आ की मात्रा। अच्छा, जो आपको डॉक से भेजा जाएगा बेटा, वो आपने क्या करना है, वहाँ से बिल्कुल ऐसे प्रॉपर चीटिंग करके उतार नहीं लेना। वो डॉग्स आपके मम्मा, आपकी दीदी, अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, ट्यूशन टीचर आपको बोलेंगे ऑर्डली और आपने आप उसको लिखना है। ये नहीं देख के बेटा, नहीं कॉपी नहीं करना, आपने खुद लिखना है। जैसे आपको बोला जाएगा टम 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 टम, आपको बोला गया टम टम, तो आपने खुद लिखना है टम टम। कैसे पड़ेगा, टम 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 टम, ऐसे आपने राइट कर लेना। पहले आपने जो आपको बोला जा रहा है वैसे आपने बड़ों को कहना है कि वो आपको बोलेंगे और आपने श्रुतलेख करना है। उसके बाद आपने देखना कि आपको लिखने में कितनी मिस्टेक्स आपकी हुई है, आप क्या आपको बोला गया था, क्या आपने लिखा ना, वो अपनी मिस्टेक अपनी खुद निकालनी है। पहले आप रफ नोटबुक पे वर्क करना, फिर फेयर पे करना। श्रुतलेख होता है कि आपको वर्ड की पहचान हो, आपको अक्षरों की पहचान हो कि जो वर्ड, जैसे मैंने टमटम बोला, टमटम कैसे डलता, कैसे है, कैसे हम इसको लिखेंगे टमटम। जैसे आपको लिखा गया गाजर, आगे मात्रा का शब्द आ गया गाजर, है ना। तो गाजर देखो, गाजर, गाजर बोलने में कैसा होता है, गाजर, इसका मतलब गा के साथ आ की मात्रा आएगी। ग अकेला होता है ना गजर, अगर हमने गजर लिखना है तो अकेला ग आएगा, लेकिन हमने लिखना है गाजर, इसका मतलब आ की आवाज़ आ रही है, गा के साथ आ की आवाज़ आ रही है, गा ग के साथ आ की मात्रा, ग को आ की मात्रा, जर गाजर। अगर आप इसको बोलोगे तो अपने आप लिखना आ जाएगा गाजर, गा को आ की मात्रा गा, ज जा, जहाज वाला आ गया र, रथ वाला, गाजर। आप इसको समझ के लिखना तो अपने आप आपको अक्षरों की पहचान आ जाएगी कि यहाँ पे हमने क्या राइट करना है। ये आपको डॉग्स भेजा जाएगा। फिर आपको बोल रही हूँ मैं कि डॉग्स आपने चीटिंग करके नहीं करना, आपके घर में जो बड़ा है, जो आपको वर्क करवा रहा है, वो आपको बोलेगा, वो तब आपने राइट करना है। पहले रफ नोटबुक पे वर्क करना है, उसके बाद आपने मिस्टेक निकालनी है, फिर फेयर पे काम करना है कि कहाँ आपने लिखते हुए कहाँ मिस्टेक की है। ओके बेटा, इसके साथ ही जो आपकी सौम्या लेख की बुक है वो, उसके आपने नेक्स्ट 2-3 पेजेस करने हैं, 28-30। ओके, और जो आपकी बाल माधुरी बुक है, बाल माधुरी बुक है, इसका पेज नंबर 34 तक ऑलरेडी कंप्लीट है हमारा। 34 जो था वो हमने नोटबुक में भी ऑलरेडी किया हुआ है। चित्र पढ़कर सही चित्र, शब्द पढ़कर सही चित्र के साथ मिलाइए, है ना। हमने पिक्चर्स देखी और उसको साथ मैचिंग कर दी। आज हम करेंगे 35। ये दो अक्षरों वाले सरल वाक्य हैं। ये देखो देखो देखो, अब तो मैं दो अक्षर वाले सरल वाक्य पढ़ इवन लिख सकती हूँ, है ना। आप भी लिख सकते हो ना, पढ़ सकते हो सरल वाक्य। कैसे, अब इसको अब नहीं बोला, कैसे पढ़ना है हमने, अब बस कर, घर चल, अब घर तक चल, नेक्स्ट नल पर जल भर, जग भर कर रख, अब खत पढ़ कर रख, डर मत, अब घर चल, अब हल रख कर चल, रथ पर चढ़ कर घर चल, बस कर, अब लड़ मत। जो साथ के साथ आपको पिक्चर्स दी गई हैं, वो पिक्चर्स जो है वो दर्शा रही हैं कि आपका वाक्य कौन सा है। आपने पिक्चर्स को भी देखना है और तब वाक्य पढ़ना है। अब बस कर, है ना, उसको अब बस कर, घर चल, अब घर तक चल, वो उसकी मम्मा उसको कह रही है ना। ऐसे ही आपने इसके दो अक्षरों का जोड़ है, दो शब्दों अक्षर वाले सरल वाक्य हैं, उसकी रीडिंग करनी है। इसके साथ हमारा आ जाएगा तीन अक्षर वाला जोड़, पेज नंबर 37 पे तीन अक्षर वाला, जैसे कमल,
कमल कमल सड़क, ये ऑलरेडी आपको नोटबुक पे करवाई है, ये आपने रीडिंग करनी है। और जो नेक्स्ट है पिक्चर्स को देखना है, फिर महल तक चल, जैसे महल सड़क औरत ऐनक पकड़ फसल, है ना, ऐसे आपने इसको बेटा जो है पेज नंबर 38-39 है इसको पिक्चर्स को देखते हुए इसको रीडिंग करने है आपने। अगर मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई हुई है बेटा कि आपने अगर आपको रीडिंग करना डिफ़िकल्ट लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बनेगा, तो पहले आप इसको दो तीन बार ऐसे रिवाइज करो, ब ह न, ब ह न बहन, अ म न अमान, अ म न अमान, इसको दो तीन बार ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको रीडिंग करनी बहुत ईजी लगेगी, है ना। इसके साथ ही जो स्मॉल लेवल वाले शब्द है, एक साथ बोलने वाले, जैसे हम इंग्लिश में भी करते हैं सेम सीक्वेंस वाले, जैसे महल पहल चहल टहल, है ना, इसकी ऐसी रीडिंग करनी है आपने, इसको ऐसी इसकी सारी रीडिंग करनी है। पेज नंबर 35 से लेकर 40 तक आपने, ये रीडिंग वाले पेज हैं। अच्छा, मैं जब आपको बोलती हूँ कि मुझे रीडिंग वाली वीडियो आनी चाहिए तो बहुत कम बच्चे भेजते हैं, मैं नोट कर रही हूँ डेली के किन बच्चों की वीडियो आ रही है किन की नहीं आ रही, फिर उसी हिसाब से मार्क्स भी कट हो जाने हैं। अगर आप, मैंने आपको बोला है कि आपकी रीडिंग का वर्क चाहे इंग्लिश का हिंदी का मैथ्स का है वो कंपल्सरी है, उसकी आपने लर्न करना है और वीडियो बना के सेंड करनी है, मैंने देखना है कि आपकी रीडिंग में कितनी इंप्रूवमेंट है। ओके बेटा, तो पेज नंबर 35 से लेकर 40 तक रीडिंग करके वीडियो बनानी है। अगर कोई बात कोई पेज समझ में नहीं आ रहा तब भी, वैसे तो बहुत ईजी है, हमने नोटबुक पे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ये दो अक्षरों का जोड़ तीन अक्षरों का जोड़ आपने इसको जोड़ जोड़ कर पढ़ना है, पहले रिवाइज करना है, फिर इसको एक लाइन में सीधा पढ़ते जाना है और मुझे वीडियो बना के सेंड करनी है। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो कभी मुझे कॉल लगा सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।